हम लोग राष्ट्रीय चेतना के साथ, राष्ट्रीय भावनाओं के साथ हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे और हमारा जीवन, हमारा शरीर पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित होगा। किसके लिए समर्पित होगा? भारत माता के लिए। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत अच्छा। अब इसी जय घोष के साथ हम लोग कुछ चीजों को सीखेंगे, तो आइए अब हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बाया हथेली बाया घुटना पर, दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, अंगूठा को दाहिने नाक पे लगाएंगे और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरेंगे, फिर बाएं नासिका को बंद करेंगे और दाहिने से सांस को छोड़ेंगे, फिर दाहिने से भरेंगे, दाहिना बंद करके बाएं से फिर छोड़ेंगे, फिर बाएं से भरिए, बायां बंद करिए, दाहिने नाक से फिर सांस को छोड़िए, फिर दाहिना से भरिए, दाहिना बंद करके बाएं से छोड़िए। इस अभ्यास को भी लगातार करिए। इस अभ्यास का नाम है अनुलोम विलोम। जब हम अनुलोम विलोम का नियमित और लगातार अभ्यास करेंगे तो बाएं नासिका को कहते हैं चंद्रस्वर, दाहिने को सूर्यस्वर, बाएं नासिका को कहते हैं इड़ा, दाहिने को पिंगला। यानी इड़ा और पिंगला के माध्यम से जब बार बार श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को निरंतर जारी रखते हैं तो हमारा दिमाग ठीक हो जाता है। बाएं नाक से सांस भरेंगे तो दिमाग का दाहिना हिस्सा संतुलित, जब दाहिने से भरेंगे तो दिमाग का बायां हिस्सा हमारा संतुलित हो जाता है। धीरे धीरे सांस भरेंगे। ऐसा करने से जो विद्यार्थी हैं और जो शिक्षक हैं, यानी जो मानसिक कार्य करने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। इसे मन शांत होगा, विचार पवित्र होगा, एकाग्रता बढ़ने से, कंसंट्रेशन पावर बढ़ने से जो हम पढ़ते हैं वो याद होगा और जहाँ हम जिस चीज पर ध्यान को केंद्रित करते हैं वहाँ पर हमारी एकाग्रता 100% केंद्रित हो जाने से हमारे मन में पढ़ाई के अलावा कोई भी दूसरा बात नहीं प्रवेश करेगा। अभी धीरे धीरे हाथ नीचे करिए, आँख खोल दीजिए और दोनों अंगूठे को कान में लगा लीजिए, ऐसा सर्जनी को ललाट पर, बाकी तीनों उंगली को मोड़ के आँख पर और केहनी को खोलिए, मुंह बंद करिए, नाक से सांस भर के और तीन बार भौरे जैसा गुंजन करिए। बंद रखिए और धीरे धीरे तीन बार ओम का उच्चारण के उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और आपस में हथेली को घर्षण करिए, रगड़िए और इस गर्म हथेली को धीरे धीरे अपने आँखों पर लगाइए, मुखमंडल पर, और फिर दोनों हाथों को आपस में जोड़कर प्रणाम मुद्रा में आकर के और धीरे धीरे आँख को खोलिए।